नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश। मैं इस बार मेरे साथ हैं अकाली दल के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा जी। ढींसा जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू दिनेश जी। ढींसा जी, 10 साल सत्ता में राज करने के बाद क्या लगता है आपको कि पंजाब फॉरवर्ड गियर में है या रिवर्स गियर में है? नहीं, मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति पंजाब का ये जानता है कि पिछले 10 साल में जी पंजाब ने बहुत तरक्की की है जी। हर तरह से तरक्की की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बेहतर हुआ है जी। हमारा एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आई है, हमारे हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आई है जी। और ओवरऑल हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आज से बनस्पत 10 साल पहले काफ़ी बेटर है जी। जो हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो पहले से बेटर हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ भी हमने जो पिछले 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है जी। लेकिन मार्च में जो कैग की रिपोर्ट आई थी उसमें एक बड़ा ये कहा जाए कि कर्जा पंजाब के ऊपर बताया गया था, तो क्या पंजाब अभी भी आईसीयू में है, आईसीयू से बाहर निकल गया है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कर्जे की आप बात करते हैं वो देखो एब्सोल्यूट टर्म में अगर कुल कर्जा करें वो ज़रूर बढ़ रहा है, हर स्टेट का बढ़ रहा है, हमारे देश का बहुत बढ़ रहा है जी। बट अगर हम उसको, अगर हमारा जो जीडीपी है, जीएसडीपी है स्टेट का जी, जो कुल घरेलू उत्पाद है अगर उसके साथ हम जोड़ के देखें जी, तो उसमें हमारे आज से 10 साल पहले से बहुत बहुत बेहतर स्थिति में है। आज से 10 साल पहले हमारा डेट टू जीएसडीपी रेशो थी वो 42% और 43% के बीच में थी और आज हमारी डेट टू जीएसडीपी रेशो है पंजाब की वो अराउंड 32% है। सो 10% हमने उसको घटाया है। सो ये ओवरऑल हमारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो बड़े हैं। हमारा जो जीएसडीपी है जो 1,40,000 करोड़ था आज से 10 साल पहले वो आज बढ़कर 4,22,23,000 करोड़ हो गया है। तो ये सारी अगर आप बातों को देखें तो आप ये समझ सकेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छी रही है। जैसे हमारे जो विरोधी हैं वो चाहे कुछ भी कहें बट जो आंकड़े हैं वो सच बयान करते हैं। ढींसा जी, विरोधी तो ये कहते हैं कि खजाना जो है वो खाली पड़ा है। नहीं नहीं, देखो हमने स्टेप्स लिए हैं जो हमारे पंजाब के सिस्टम को, जो फाइनेंशियल्स को ठीक करने के लिए जी, उसके कारण ये हमने अपनी बोरिंग कम की है जी, वो स्वाभाविक है भी। कई बार हमारी जो कैश सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं दिखते, ये तो मानना पड़ेगा, बट उसके एक ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि पिछले समय में जो हमारी केंद्र सरकार है उसने हमें क्वार्टरली बोरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं जी। उसका मतलब है भी पहले था हम साल में जब भी बोरो कर सकते थे जब हम चाहें डिपेंडिंग अपॉन आर नीड्स, हमारी ईयरली रिस्ट्रिक्शंस होती थी पर अब हमने उन्होंने हमें बदल के क्वार्टरली डाल दी हैं जी, इवनली स्प्रेड आउट कर दी हमारी बोरिंग। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो सेकेंड क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का उसमें हमारी रेवेन्यूज काफ़ी कम हो जाते हैं और उसके कारण हमें सेकेंड क्वार्टर में थोड़ी सी मुश्किल आती है क्योंकि बोरिंग्स हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, हमारी रेवेन्यूज जो कम हो जाती हैं और हमारा जो एक्सपेंडिचर है जो मेनली डेट सर्विसिंग है, सैलरीज है और हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो उतना ही रहता है। सो ये सिर्फ 1-2 महीना जो सेकंड क्वार्टर का है उसका जो है उसके कारण ये हमेशा ये विरोधी कहते रहते हैं कि जो पंजाब के फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा इससे बेहतर फाइनेंशियल हालात पंजाब के पिछले 20-25 साल में कभी भी नहीं हुए जी। लेकिन कर्मचारियों को जो है डीए नहीं मिल पाया, कर्मचारी कह रहे हैं कि खजाना मंत्री तो सही है लेकिन उनका जो खजाना है वो खाली पड़ा है इसीलिए डीए और जो कर्मचारियों को मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, हमने पिछले डीए भी दिया है और डीए की जो हमने जो पिछले बकाए हैं वो भी हमने क्लियर करने का फैसला कर दिया है और उसके अलावा जी जो है ये हमने नेक्स्ट डीए का भी हम विचार कर रहे हैं, जल्दी हम उस पर फैसला करेंगे और ये ज़रूरी नहीं है अभी जब केंद्र सरकार अनाउंस करती है उसके साथ ही स्टेट्स अनाउंस करें जी। स्टेट्स और केंद्र सरकार के अनाउंसमेंट डीए में थोड़ा मोटा अंतर ज़रूर होता है जी, वो हम अभी दूर कर देंगे जी। ढींसा जी, हाल ही में जो
नोटबंदी का फैसला लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या वो देश हित में है और सही फैसला है, सही दिशा में ये कहा जाए कि कदम उठाया गया? देखिए, मैं समझता हूँ जब कोई, कई बार ऐसा होता है अच्छे काम में थोड़ी सी तकलीफ भी होती है जी। आज लोगों को तकलीफ ज़रूर हो रही है, मैं समझता हूँ, पर ये जो फैसला है वो देश के लोगों के हित में और देश के हित में मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और उसके नतीजे आने वाले समय में हमें पॉजिटिव आएंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और जो मेरा अंदाज़ा है इसमें ओवरऑल आने वाले समय में GDP है जो कंट्री की, वो भी उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी की कई इनएफिशिएंसीज थी, जो हमारा कुछ पैसा था वो प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं आ रहा था, आज वो बैंकिंग सिस्टम में आ गया है, अब वो उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ में आएगा और उससे जो है हमारी GDP वो बढ़ेगी, और जो ब्लैक मनी है उसको भी रोकने में कामयाबी मिलेगी। जो हमारे जो मैं समझता हूँ जो इलीगल जो पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से जो हमारी फेक करेंसी है आती थी वो भी बंद होगी, टेररिस्ट ऑपरेशन भी उसमें प्रभावित होंगे, ये सब है जो इसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में अच्छे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। जी ढींसा जी, एक महीने से ज़्यादा इस फैसले को लागू किए हो चुका है, आपको क्या लगता है जो कतारें हैं, जो लाइन्स हैं, क्यूज़ हैं ATMs के बाहर, बैंक्स के बाहर, वो कैसे कम होगी? प्रधानमंत्री कहते हैं कि वी हैव टू गो फ्रॉम कैश टू कैशलेस, ये आम जनता के लिए, और लेकिन कैसे होगा, कैसे डिजिटल की तरफ जो है लोग बढ़ेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है कैशलेस इकोनॉमी जिसकी बात हो रही है वो बने? देखिए, मैं इसके दो पहलू हैं, मैं समझूंगा, जो खास तौर पर हमारा मिडिल क्लास है और सैलरीड क्लास है जी, वो कैशलेस में बढ़ने में कोई ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, वो आई थिंक जल्दी ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ वो बढ़ सकता है। और मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, आज से दो महीने पहले तक मैं सारा जो है कैश यूज़ कर रहा था, आज मैं अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ विद सच अ सिचुएशन तो खुद ब खुद लोग जो है कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन बढ़ी हैं जी। मिडिल क्लास और अर्बन में ये जो कैशलेस में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बट दूसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादा है जी, वो है हमारा जो लोग गांव में बसते हैं या जो लोग पावर्टी में रह रहे हैं, उनको जो है कैशलेस सिस्टम में लाना वो समय भी लगेगा और काफ़ी कठिन भी है जी। सो हम कैश को एकदम रूल आउट नहीं कर सकते, और कैश को दोबारा इकोनॉमी में मोनेटाइज करने में समय लगेगा, अगर हम कहें भी एक महीने में जो कैश बाहर निकला है वो आ जाए, क्योंकि आखिर नोट प्रिंटिंग में समय लगता है, 21 दिन का प्रोटोकॉल है उसका वो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ढींसा जी, विपक्ष कह रहा है जो फैसला लिया गया उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। नहीं नहीं, देखिए मैं समझता हूँ इससे ये, अगर हम किसी बात को की सीक्रेसी रखना चाहते हैं तो उसको फिर हम कोई साइंस नहीं छोड़ सकते जी। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है भी किसी को वो खबर ना हो कि गवर्नमेंट जो है वो जो डीमोनेटाइजेशन कर रही है, अगर अगर वो पहले कुछ ऐसे स्टेप्स लेते तो हो सकता भी ये बात बाहर निकल आती और उसका जो इफेक्ट गवर्नमेंट चाहती थी वो नहीं होना था। जी, so, आपको लगता है कि इससे कोई अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए एक दो क्वार्टर में तो असर पड़ेगा, ये तो सब मानते हैं और ये होगा भी, बट मैं जैसे मैं कह रहा हूँ इसका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होगा हर तरह से। जी ढींसा साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो मोगा में हाल ही में जो रैली हुई उसमें ये कहा जाए कि जो पैसे की बात कर रहे हैं कि जो पैसा बर्बाद हुआ, पैसे की बर्बादी हुई। देखिए मैं ये जो रैली है ये पंजाब के पानियों को बचाने के लिए हमने रैली की है, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, जो पंजाब का आज सबसे अहम मुद्दा है पंजाब के पानी जी। आज अगर पंजाब का जो पानी है
वो हमारे पास नहीं रहता या दूसरे प्रदेशों को मिल जाता है, उससे हमारी जो एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री और सारे सेक्टर प्रभावित होंगे। आज हम 70% जो सब सॉइल वाटर पे डिपेंड करते हैं ट्यूबवेल से जो हम पानी निकाल रहे हैं, और सिर्फ 30% हमें जो हमारे जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इरिगेशन वाटर अवेलेबल है। अगर जो 30% अवेलेबल है वो भी चला गया तो पंजाब तो मैं समझता हूँ रेगिस्तान बन जाएगा। अगर हम राजस्थान के रेगिस्तान को हरियाला करना चाहते हैं और उसको हरा करने के लिए अगर पंजाब को रेगिस्तान बना दें, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। सो ये जो हमारी रैली थी, ये पंजाब के जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको लेकर हमने जो पार्टी ने संघर्ष करने का और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का जो फैसला किया है उसके लिए लोगों को मोबिलाइज करने की थी। ये जो है मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ी ज़रूरत है और सब पार्टीज़ को इस पर इकट्ठा होना चाहिए। इस पर तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो हमारे हित हैं प्रदेश के वो सबके बराबर हैं। जी।